ये जो बाइक है हमारे पास बजाज पल्सर दोस्तों, इसमें वाइब्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे चलाते हैं घड़घड़ाने की आवाज़ आती है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि इसमें क्या परेशानी है और इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, कैसे हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ये इतना ज़्यादा साउंड कर रही थी, 30 से 40 मिनट के अंदर इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी, इतना ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा था इसका कि जिसकी कोई हद नहीं। फर्स्ट गियर में डालने का पिकअप बिल्कुल कोई फीलिंग ही नहीं आ रहा, पल्सर जैसा बिल्कुल गड़गड़ 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 की आवाज़ आ रही है। दोस्तों ये जो परेशानी आती है ये आती है सीजर गियर की वजह से। कई बार ऐसा होता है कि बजाज पल्सर में ये जो सीजर गियर है धीरे धीरे ख़राब हो जाता है या बिल्कुल पिले आ जाती है, या बहुत ज़्यादा ओल्ड होने की वजह से ये प्रॉब्लम आने लग जाती है, या आवाज़ करने लग जाता है, अजीब सी साएं साएं की आवाज़ करने लग जाता है, या गड़गड़ाने की आवाज़ आने लग जाती है, या फिर इंजन वाइब्रेशन करने लग जाएगा। दोस्तों ये जितनी भी परेशानी है ये सब सीजर गियर की वजह से आती है, सीजर गियर ख़राब होने की वजह से ही ये प्रॉब्लम होती है। आप देख रहे हो ये है सीजर गियर दोस्तों, जैसा कि हमने इसको ओपन कर लिया, और यह है सीजर गियर दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा पिले आ गई है और बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है, इसी वजह से इसमें गड़गड़ाने की या वाइब्रेशन की साउंड आ रही थी। अभी जो आप सीजर गियर देख रहे हो मेरे पास, दोनों में कितना डिफरेंस है, एक बहुत ज़्यादा डल हो गया और दूसरा वाइट है, दोनों का कलर चेंज हो गया है। ये जो सीजर गियर मेरे पास है वाइट है दोस्तों, ये न्यू तो नहीं है बट ये मैं कबाड़ी मार्केट से लेके आया, ओल्ड है, बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है और हम इसमें यही लगाएंगे। इसमें ज़्यादा प्ले भी नहीं है और ज़्यादा लूज भी नहीं है। दोस्तों इसको कैसे लगाते हैं, इसमें क्या तरीका है इसको लगाने का? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, ये जो सीजर गियर होता है इसमें किसी भी तरह की कोई भी टाइमिंग आइविंग नहीं होती है। दूसरा, इसे आप कैसे भी लगा सकते हो, चाहे इस मुँह को उधर लगाओ चाहे इस मुँह को उधर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बेशक ये काम वो ही करेगा। बस आपको ध्यान इतना देना है कि जब आप इसको लगाते हो दोस्तों, मैं इसे लगा कर और फिर आपको बताता हूँ इसे कैसे लगाते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना, जब भी सीजर गियर लगाओ आप इसको ज़्यादा आपको टाइट नहीं खींचना है, जितना ईजी हुए उतना ही खींच के आपको उसको लगाना है। दोस्तों उसको लगाने का, इसमें जो बैलेंसर गियर में एक एरो बना होता है, किसी में एरो होता है किसी में पॉइंट होता है, आपको ये इसे मिला के लेना है। और ये जो सीजर गियर होता है इसको वाशर का आपको ध्यान देना है, दोनों साइड लगता है दोस्तों, इस साइड भी उस साइड भी, और ये जो बैलेंसर गियर है आपको मिला के लेना है इसको इससे। और ये जो क्रैंक का आप देख रहे हो, चाबी का जो कट लगा हुआ वो आपकी जो सामने चैम्बर में कट लगा हुआ इससे मिलाना है इसको। दोस्तों ये मेन टाइमिंग होती है, ये टॉप पे पिस्टन है, इसके पहचाने के पिस्टन टॉप पे है, आपको ये मिलाना है। अब ये जो सीजर गियर में लगा रहा हूँ दोस्तों, आपको ध्यान देना है, ये जो बैलेंसर गियर होता है इसमें लगा हुआ सीजर गियर के साथ में, इसके ऊपर बैलेंसर गियर में एक कट या मार्का दिया, तो किसी किसी पॉइंट भी होता है, आपको ध्यान देना है, चैम्बर पर एक मार्का दिया उससे आपको मिलाना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो आपको उससे मिलाना है। दोस्तों यही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इसके अंदर, क्योंकि अगर आपने इसको आउट कर दिया तो वाइब्रेशन करेगी गाड़ी या गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी। ये हब जो हम लगा रहे हैं दोस्तों, आपको ध्यान देना है, ऊपर जो हमने बैलेंसर गियर पे मार्का लगाया था उस पर, और ये टी टाइमिंग का होता है अपने क्रैंक का, वो दोस्तों हब लगा बिल्कुल ईजी तरीके से आपको लगाना है, ताकि जो ऑयल पंप की गिरारी है वो टूटे नहीं। ये वाली आपको ध्यान देना है, क्रैंक का जो है पॉइंट बिल्कुल भी थोड़ा बहुत हिला के आप मैनेज करके ईजीली आप इसको लगा लो, ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं देना है, ज़्यादा प्रेशर लगने से आपका जो ऑयल पंप की गिरारी है तो वो टूट सकती है दोस्तों, इसलिए आप हमेशा ध्यान दो, जब भी आप हब लगाओ बिल्कुल ईजी हल्का सा मूव करके आराम से तरीके से इसको लगा के आप बिठा सकते हो। अब मैं आपको हब लगा के बताता हूँ, आपको हब लगा ध्यान रखना, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा मूव करते करते देखो कितनी आसानी से हमने इसको लगा दिया। तो इसी तरह से आपको मूव करना हल्के हल्के बिल्कुल नॉर्मली, आपको बिल्कुल ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, धीरे धीरे मूव करने के बाद जैसे ये अभी गया है थोड़ा सा और बाकी ऑयल पंप की साइड से कहीं से भी अटक रहा होगा तो आपको ऐसे ही प्यार से मूव करना, मूव करने के बाद ये इजीली अंदर चला जाएगा। बिल्कुल आपको जल्दबाजी नहीं करनी, ना ही आपको प्रेशर देना है, बिल्कुल धीरे धीरे मूव करके जैसे मैं कर रहा हूँ, और ये देखो अंदर चला गया, बिल्कुल ऐसे जाने के बाद फिर आप इसको निकाल सकते। दोस्तों ये लगने का कंप्लीट, हमको जैसे ये खुला था वापस वैसे लगाना है, और इस वाशर का आपको ध्यान देना है, जैसे एक अंदर लगाते हैं यहाँ भी एक वाशर लगाए, आपको उसका ध्यान देना है, वाशर लगने का उसको वापस सीजर गियर का हम केप लगा देंगे। दोस्तों एक केप जैसे हमने खोली वापस हमको वैसे ही लगानी है, ठीक है, हमने एक केप लगा दी है दोस्तों, केप लगा आपको अच्छी तरह से टाइट करने हैं तीनों पेचों को, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, कहीं आप जरूर से टाइट करो पेच स्लिप हो जाए, आपको नॉर्मल टाइट करना है, ज़्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसकी क्लच असेंबली इसमें वापस लगा देते हैं जैसे कि हमने खोली थी। दोस्तों क्लच असेंबली लगाते समय आपको ध्यान देना है कि ये जो पीछे वाशर होता है क्लच कटोरे में और क्लच असेंबली के बीच में, ये वाला हमें ये ध्यान दे के लगाना है,
लगने के बाद धीरे धीरे मूव करके आप जो क्लच असेंबली है आप पीछे लगा दो। उसके बाद जो उसका वाशर होता है वो भी हमको ध्यान से लगाना है दोस्तों। वाशर लगाने के बाद जो इसका नट होता है उसको हमको अच्छी तरह सिर्फ टूल्स की सहायता से ही टाइट करना है, हथौड़े नहीं मारने हैं दोस्तों। नट कसने के लिए हमें पीछे सपोर्ट लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैं ये पेचकस लगा रहा हूँ। आप भी ध्यान रखो जब भी आप नट कसों को पेचकस लगाना पड़ेगा या कोई भी चौड़ी चीज़ जो इसमें इजीली इसको घूमने ना दे, क्योंकि जब भी हम इसको कसेंगे टाइट करेंगे तो ये क्लच घूम जाएगा, इसीलिए हमने पेचकस का सपोर्ट लगा रखा है। आप भी लगा सकते हो, वैसे तो घेर आता है इसका लगाने का, बट मैं पेचकस से ही काम चला लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, पेचकस से काम चल जाता है। और उसको आपको इतना ही टाइट करना जितना ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लगाना है। ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर लगाने पे ये जो आपकी चूड़ियाँ होती है ये कई बार स्लिप हो जाती है दोस्तों क्लच की, आपको ध्यान देना, ज़्यादा टाइट आपको नहीं करना है। और बाकी चीज़ें तो जैसे इसकी ऑयल सेंट्रीफ्यूगल पंप वगैरह जो भी आपको जैसे खोला था आपने बिल्कुल वैसे ही पैक फिट कर देना है दोस्तों। मेरा इस वीडियो को बनाने का रीज़न सिर्फ इतना था ताकि आपको ये जानकारी दे सको कि सीजर गियर किस तरह लगाया जाता है और इस गाड़ी में वाइब्रेशन की प्रॉब्लम क्यों आती है दोस्तों। बिल्कुल इजी तरीका है, कोई मुश्किल नहीं होता सीजर गियर लगाना, ना ही इसमें ऐसी कोई दिक्कत होती, बहुत इजी, बिल्कुल इजी है। किसी भी तरह का आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत है दोस्तों। सीजर गियर बहुत इजी होता लगाने का, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये जो हमारे क्रैंक का नट है इसको भी ज़रूरत से ज़्यादा आपको टाइट नहीं करना है, ध्यान देना टाइट करते समय कि ये भी ज़्यादा टाइट ना हो, कहीं आप ज़रूरत से टाइट करो इसको स्लिप कर दो दोस्तों। ध्यान रखना आपको इतना ही टाइट करना जितनी आवश्यकता है, ज़रूरत से ज़्यादा आपको टाइट नहीं करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आगे मैं आपके लिए इसी तरह बहुत बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लाता रहूँगा और अच्छे से अच्छी जानकारी आपको कोशिश करूँगा देने की दोस्तों। वीडियो को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं आप तक पहुँचा सकूँ और अच्छे से अच्छी वीडियो मैं आपको ला कर दूँगा, जितनी हो सके बढ़िया से बढ़िया रियल जानकारी आपको ला कर दूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।